दोस्त के प्रेम प्रसंग को सुलझाने गए युवक की धारदार हथियार से हत्या करने की घटना 13 तारीख को पाचपौली थाना क्षेत्र में हुई थी। घटना में घायल अभिषेक का अस्पताल में इलाज चल रहा था, हालांकि इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। आरोपी रोहित नाहरकर की साली का आशीष बड़ेल से काफी दिनों से अफेयर चल रहा था। हालांकि आशीष बड़ेल एक लड़की से शादी करने के लिए अनिच्छुक थे। अभिषेक को मामले की जानकारी थी, इसलिए वह दोनों के बीच विवाद सुलझाने के इरादे से रात में तय जगह पर उनसे मिलने गया। हालांकि अभिषेक की आरोपी रोहित नाहरकर शाम को सेरे राजकुमार लाचलवास से बहस हुई। विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपियों ने अभिषेक की गर्दन पर ईंटों और तलवार से वार कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया और मौके से भाग गए। घटना की जानकारी जैसे ही पुलिस को हुई तो पुलिस मौके पर पहुंची और अभिषेक को घायल अवस्था में तुरंत मेयो अस्पताल में भर्ती कराया। आखिरकार इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। उक्त आरोपी एक कुख्यात अपराधी है। पुलिस ने जानकारी दी है कि लोगों के मन से डर को दूर करने के लिए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और हत्या के अपराध सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। दिनांक 12/2/2024 को मैं रात को नाइट ऑफिसर करके ड्यूटी पर था, तब एक वारदात मिल गई कि पंचकुआ एरिया जो है हमारा पुलिस थाना पाचपावली के अंडर में आता है, वहाँ पर कुछ लड़कों ने एक दूसरे लड़के को बहुत ही गंभीर रूप से तलवार वीट पत्थर से मार के बुरी हालत में गंभीर स्वरूप से उसको जख्मी किया है। वारदात मिलते हम तुरंत ही वहाँ पर जब पहुँचे तो वहाँ पर हमें एक बहुत ही गंभीर हालत में एक जो जख्मी था वो मिल गया, उसको तुरंत हमने अस्पताल पहुँचा दिया। उसका नाम अभिषेक गुलाबे बोल के था जिसने जो गंभीर हुआ था, और उसको मारने वाले जो तीन आरोपी थे उनके नाम है रोहित सुनील नाहरकर, श्याम बाबू कुसेरे आणि राजकुमार लाचलवार। इन तीनों ने एक लड़की का आपस में उनका एक मैटर हुआ था उसके बारे में उसको बहुत ही बेरहमी से मारा था तलवार वीट पत्थर से। आज वो उपचार के दरमियान अस्पताल में उसकी डेथ हो गई है, तो डेथ होने के बाद उसमें कलम आईपीसी का 302 बढ़ गया है। तो उसमें आज माननीय डीसीपी सर झोन 3 श्री भामरे साहब, उसके बाद में हमारे वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक श्री वैभव जाधव साहब और हम और आरोपियों को लेके हम फिर से एक बार घटनास्थल का पूरा तरह से मुआवजा किया है और आरोपियों की घर झड़ती के लिए हम वहां पर आज गए थे। तो इस बारे में अभी आगे की तहकीकात चालू है। ये जो आरोपी है वो रिकॉर्डेड आरोपी है, बहुत ही हार्ड कोर क्रिमिनल है। इन पर दरोड़े की तैयारी करना, तलवार लेके बस्ती में घूमना, दहशत फैलाना, लोगों को मारपीट करना, लोगों को जबरन उनसे पैसे लेना, रॉबरी डकैती, ऐसे भी इन पर गंभीर स्वरूप के इन पर गुने हैं। दो आरोपियों पर तो 13-13 गुने दाखिल है इस प्रकार के। ये पिछली बार तड़ीपार भी रहे वाले हैं, 302 के भी इन पर पहले 2016 में उन पे गुने इस प्रकार के हैं और एक आरोपी उस पर भी 3 गुने हैं। तो इनके नाम तो आपको बताइए। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।